बड़ी खबर इस वक्त एक और बता दें आपको, आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। लेकिन अहमदाबाद में आनंद फानंद में बाबा के दरबार स्थल को शिफ्ट किया गया है। पहले अहमदाबाद के चाणक्यपुरी में ये दरबार लगने वाला था, लेकिन अब इसकी शिफ्टिंग कर ली गई है। और ये लोकेशन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, रिंग रोड पर शिफ्ट किया जाएगा। वहीं अहमदाबाद पहुंचते ही बाबा के तीखे तेवर भी देखने को मिले हैं। उन्होंने विरोधियों पर बड़ा प्रहार भी किया है, जानकारी मिल पा रही है कि सुरक्षा की वजह से बदलाव किया गया। सूरत के बाद अहमदाबाद पहुंचे बाबा बागेश्वर। दो दिन तक अहमदाबाद में लगेगा दिव्य दरबार। अहमदाबाद से विरोधियों को ललकारा। सूरत में चमत्कार और हनुमत कथा के बाद बाबा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री अहमदाबाद पहुंच गए हैं। रविवार को जैसे ही बाबा का हेलीकॉप्टर अहमदाबाद पहुंचा, वहां उनके स्वागत में भारी तादाद में समर्थक जुट गए। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने रंग में दिखे और अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने विरोधियों को ललकार भी दिया। बाबा ये बताइए, आप बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी के नेता। देखो बहना, राम जी को लेकर के रावण परेशान था, तो जो रावण के खानदान के वो परेशान। धन्यवाद। राम रावण पर आई हिंदू राष्ट्र की लड़ाई। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में न पड़ना पड़े, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। हनुमान भक्त बाबा बन गए राम अवतारी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। अब तो सीधा सा सिद्धांत है, बोलो जय श्री राम। खुद को बजरंगबली का भक्त कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री समर्थकों के बीच जोश से ऐसे लबरेज हुए कि विरोधियों पर निशाना साधते साधते खुद की तुलना में राम और विरोधियों को रावण बता डाला। बाबा ये बताइए, आप बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी के नेता। देखो बहना, राम जी को लेकर के रावण परेशान था, तो जो रावण के खानदान के वो परेशान। धन्यवाद। बाबा पहुंचे और बदली दिव्य दरबार की जगह। सूरत के पागलों तुम्हें हनुमान जी के बल इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हारे इष्ट हनुमान में इतना बल है तो तुम हिंदू एक हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नाचने लगे। रातों रात शिफ्ट किया गया आयोजन स्थल। गौरव के साथ कहना चाहिए हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन इतना व्यापक और इतना बड़ा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार चाणक्यपुरी के मैदान की बजाय अब ओगनज में लगेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद इसी जगह पर प्रमुख स्वामी महोत्सव किया गया था। बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम की जगह में ये बदलाव लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के चार शहरों में दिव्य दरबार लगा रहे हैं। सूरत में बाबा का दरबार लग चुका है। 30 जून तक अहमदाबाद में बाबा का दरबार लगेगा। इसके बाद बाबा बागेश्वर सरकार का दरबार राजकोट और फिर वडोदरा में बाबा का दरबार सजेगा। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार के लिए अहमदाबाद में लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। कार्यक्रम के लिए जगह के कम होने की वजह से पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। अब जब पुलिस ने नई जगह पर स्वीकृति दी है, क्योंकि पटना और सूरत में बाबा के दरबार में भारी भीड़ जुट गई थी। पटना में तो नौबत यहां तक आ गई थी कि बाबा को मंच से लोगों को न आने की अपील करनी पड़ी थी, जिससे सबक लेते हुए पुलिस ने अहमदाबाद में बाबा के कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पिछले कुछ दिनों से गुजरात की मुलाकात पे है और कई अलग अलग जिलों में वो अपना दिव्य दरबार कर रहे हैं। अहमदाबाद में आज से उनका दिव्य दरबार होना था, लेकिन जिस प्रकार से कल शाम को जो भारी बारिश के चलते ये ग्राउंड है, जो अहमदाबाद का ओगनज एरिया का जो ग्राउंड है, वहाँ पर पानी भर चुका है और आयोजन की कोई स्थिति अब बन नहीं रही है। तो वही असमंजस की स्थिति अभी भी लोगों में बरकरार है, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं और सबके मन में वही सवाल है कि अभी बाबा का दिव्य दरबार यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अहमदाबाद के कई एरिया से, गुजरात के कई एरिया से लोग यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से
बारिश के कारण यहाँ पे जो आयोजन की असमंजस की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी कोई आयोजन नहीं दिख रहा है। हालांकि लोगों में वही आस्था है कि बाबा आएंगे और उनका दिव्य दरबार भी होगा और उनको दर्शन भी मिलेंगे। तो देखिए, अब सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति इस बात के लिए बनी हुई है कि आखिर बाबा का प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से होगा, क्योंकि आज अहमदाबाद में होना था लेकिन कल अचानक से अहमदाबाद में मौसम ने करवट बदली, तेज बारिश हुई और उसके बाद हमने देखा ओले पड़े जिसकी वजह से कई जगह पानी भर गया। और अब आपको सीधे ले चलते हैं उस ग्राउंड पर जहां पर मेरे सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं, जहां पर बाबा का कार्यक्रम होना था लेकिन वहां पर स्थिति किस तरीके से, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी संजय बता रहे। संजय, सबसे पहले बताइए आखिर स्थिति देखकर क्या लग रहा है कि आज बाबा का कार्यक्रम 5 बजे से शुरू हो पाएगा या आयोजन में बदलाव किया जाएगा? देखिए, मैं पहले आपको ये ग्राउंड की स्थिति बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का जो चाणक्यपुरी एरिया है वहां पे आप ये जहां पे बाबा का दरबार लगने की बात हुई थी पहले, और वहां पे आप देख सकते हैं कि कल जिस प्रकार से कल शाम को भारी बारिश हुई उसी के चलते ये ग्राउंड पूरा पानी भर चुका है और यहाँ पे आयोजन की कोई स्थिति बन नहीं रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से एक और वैकल्पिक जो एरिया है यहाँ पे ओगणज एरिया है वहाँ पे जो बाबा का दिव्य दरबार होने की बात की गई थी लेकिन वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है और वहाँ पे भी कोई आयोजन की स्थिति बनी नहीं है। इसी के चलते आयोजन आज के दिन का जो आयोजन है जो दिव्य दरबार का वो कहीं ना कहीं रद्द किया गया है। ठीक है संजय, मैं लौट रही हूँ आपके पास, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, अब ऐसे में सबसे असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि कल हमने देखा देर शाम किस तरीके से मूसलाधार बारिश जो है वो अहमदाबाद में हुई, जिसके बाद जब बाबा का जो कार्यक्रम होना था उसमें जो है खलल पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कार्यक्रम में बारिश का पानी बहुत ज्यादा भर गया है। तो अब ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आज जो बाबा के भक्त वहां पर पहुंचेंगे कहीं वो निराश होकर वापस ना लौटे। लेकिन इन सब के बीच में अब आप समझिए, बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से जो है बाबा की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग की गई। सूरत के मंच से हमने देखा कि आखिर बाबा ने किस तरीके से कहा कि देखिए, हम हिंदुस्तान को सबसे पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अगर हिंदू एकजुट हो जाए तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इन सब के बाद एक देश में अलग से बहस चढ़ गई है, कोई इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है, कोई इसे संस्कृति के खिलाफ बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच में कई साधु संत और समाज जो है शंकराचार्य जो दरअसल वो समर्थन में आ चुके हैं बाबा के, लेकिन बाबा की तरफ से साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया कि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 दिन तक गुजरात के अलग अलग शहरों में अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सूरत से हुई थी। अब दरबार अहमदाबाद की जमीन पर लगेगा और अंत वडोदरा में होगा। सूरत की सभा के 2 दिन बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, हिंदुओं से एक होने का वचन लिया, लव जिहाद से बचने की हिदायत दी और पाकिस्तान में भी भगवा ध्वज फहराने का दावा किया। बाबा बागेश्वर की इन मांग पर तालियां भी बजीं, जयकारे भी लगे और विवाद के सुर भी बुलंद हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर देश 2 धड़ों में बढ़ता दिखा, एक वो जो उनके समर्थन में हाथ उठाए थे और दूसरे वो जो इसे हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ बता रहे थे। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मांग का विरोध किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। ये ख्वाब है उनका, न बना है न बनेगा, न इस वक्त बनेगा न आइंदा बनेगा। बाबा उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान था, है और रहेगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा, यहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है और ये देश एकता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस देश की तरक्की इसलिए रुकी हुई है कि ये नफरत फैला रखी है जो हिंदू मुस्लिम की। जब तक ये नफरत दूर नहीं होगी जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। शफीकुर रहमान का दावा है कि ये सोच महज सोच ही रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं कांग्रेस नेता प्रणव झा इसे मुद्दों को भटकाने वाला बयान बता रहे हैं। उनकी सोच से हिंदू राष्ट्र की बजाय अगर महंगाई बेरोजगारी जैसी परेशानियों को दूर किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक सौहार्द की कमी है, ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं के बारे में बात हो, इस समस्याओं से निपटने की कि क्या तरीके हो सकते हैं उस पर कारगर काम हो। कोई भी व्यक्ति अगर
इससे बहस को इतर ले जाता है, कहीं और ले जाता है, तो वो सरकार की मदद कर रहा है, वो जनता के खिलाफ बात कर रहा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बाबा बागेश्वर के मन की संतुष्टि बता दिया और कहा कि अगर उन्हें ये कहने से संतुष्टि मिलती है तो मिलने दें। वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने समाज को समझाइए भाई, अगर किसी को किसी चीज में मानसिक संतुष्टि मिल रही है उसको डिप्राइव मत करिए, उसको थोड़ी देर के लिए आनंद आ रहा है उसको करने दीजिए, बजाय बुलाते हैं करने दीजिए, लेकिन व्यापक रूप में साइंटिफिक टेंपर पैदा करें। धीरेन्द्र शास्त्री के गुजरात के 4 शहरों में 7 जून तक कार्यक्रम होने, सूरत के बाद वो अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा में दरबार लगाएंगे। अहमदाबाद में 29 और 30 मई को दरबार लगेगा, 1 और 2 जून को राजकोट में और 3 से 7 जून तक वडोदरा में रहेंगे।